नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों 14 मार्च से 13 अप्रैल तक लग रहा है ये मलमास। तो इस मलमास में दोस्तों आपको एक छोटी सी क्रिया करने के लिए बता रही हूँ। इस क्रिया को करने से आपके घर में धन हमेशा आता रहेगा और आपके घर में नेगेटिविटी का वास नहीं रहेगा। वैसे दोस्तों ये जो खर मास है, ये मलमास है, इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में कोई भी अच्छा कार्य आप ना करें। स्पेशली जैसे कि आपको मकान खरीदना है, शादी ब्याह रचाना है, शादी ब्याह का कोई कामकाज करना है, कोई अच्छी चीज खरीदनी है, कोई भी बड़ा नया काम यदि आप करना चाहते हो तो इस मास में आप इस काम को ना करें, ठीक है। इन तमाम कार्यों के लिए ये मास उचित नहीं है। इस महीने में दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आप भगवान सूर्य देव की पूजा करें। मैं इसके भी और भी वीडियो अपलोड करूँगी कि कौन सी पूजा करने से आपको कौन सा फल प्राप्त होगा। और दोस्तों दूसरा, भगवान श्री हरि की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप पूजा पाठ इस महीने करें, भगवत गीता का पाठ करें, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इतना ज़्यादा आप जाप करें। एवरीडे यदि आप एक माला करते हैं ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, कोई भी कलर के कपड़े पहने, बस आप पूजा स्थान में बैठ जाएं, एवरीडे सिर्फ एक माला तुलसी की माला लेकर के आप एक इस महीने कर लें, आपके जीवन में कभी भी दोस्तों धन की कमी नहीं रहेगी, हमेशा भगवान की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र की सिर्फ एक माला सुबह आप करें। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप सुबह उठे अपने पूजा स्थान में दीपक जलाएं और इस मंत्र को जितना ज्यादा हो सके, भले आप 2 मिनट बोले, 3 मिनट बोले, आप सिर्फ बोलने का एक नियम मात्र ले लें कि इस मास दरमियान मैं एवरीडे भगवान श्री हरि को याद करूंगा या करूंगी। जो लोग ये भी ना कर पा रहे हो वे लोग पूजा स्थान में सिर्फ एक गेंदे का पुष्प चढ़ाना शुरू कर दे भगवान श्री हरि के नाम से। इससे भी दोस्तों आपकी लाइफ में हमेशा पैसे आते रहेंगे, कभी भी पैसों को लेकर के आप परेशान नहीं होंगे। और जो उपाय दोस्तों मैं आपको स्पेशली इस माह में करने के लिए बता रही हूँ वो है दोस्तों नमक का उपाय, क्योंकि ये समय है शुद्धि के लिए। आपको अपनी शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए, मानसिक शुद्धि करनी चाहिए, पारिवारिक घर को लेकर के भी जो शुद्धि करना चाहिए उसके लिए ये उपाय बहुत ही श्रेष्ठ है। इस उपाय को आप इस महीने में ज़्यादा नहीं तो 2-3 बार 4 बार अवश्य ही कर लेना ताकि आपके घर में शुद्धता बनी रहे। आपको थोड़ा सा नमक लेना है और लेनी है फिटकरी। फिटकरी को आप पीस लें, नमक में मिला लें, दोनों को मिक्स करके आप एक डिब्बे में भर करके रख लें, ठीक है। और दोस्तों आपको इस महीने में 2-3 बार 4 बार जब भी आपको उचित लगता है आप इस पाउडर को, नमक और फिटकरी के पाउडर को अपने घर में कोने कोने में छिड़कना शुरू कर दें। हर जगह आप इसको थोड़ा थोड़ा सा छिड़कें। सुबह आप इसको जैसे आप कचरा निकालते हैं वैसे आप झाड़ करके फेंक दें। 2-4 दिन के बाद फिर से आप इसे छिड़क दें। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। घर में ना नेगेटिविटी रहेगी, ना ही कोई आपको बुरे विचार आएंगे। और आपके घर में यदि आपको ऐसा लगता है कि लक्ष्मी पर, पैसों पर किसी ने कुछ कर दिया गया है तो इस चीज़ को दोस्तों थोड़ा सा अपनी तिजोरी के आसपास भी आप डाल दें, या जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर आप एक बाउल में फिटकरी और नमक को भर करके रख दें तो पैसों के ऊपर भी जो भी नेगेटिविटी की गई होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और इस उपाय को भी जैसे आप आज रखते हैं इसको 2-3 दिन रख करके रखें, फिर इसको डाल दें और फिर दूसरा रख दें। इस महीने में आप इस छोटी सी क्रिया को खाली करते रहें, रिजल्ट दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। शनिवार के दिन आप इसी नमक को और फिटकरी को पूरे घर में घुमाएं और उसको चौखट के बाहर फेंक दें। दक्षिण दिशा में आप घर के बाहर निकले और दक्षिण दिशा में आप इसे फेंक दें, खड़े हो जाएं और देख लें कहाँ है दक्षिण दिशा, डाल दें। मतलब ये दोनों ही चीज़ें आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अपने घर में, घर के कोनों में डालना शुरू कर दें। और इस महीना दरमियान
आप दो बार या तीन बार इस चीज को जल में मिला करके, पानी में मिला करके अपने घर की छत में फेंक दें। इतना करने से भी दोस्तों आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी और भगवान श्री हरि की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। ठीक है, करने का एक उपाय करते रहे। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे। अवश्य करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।